तो इस लेक्चर में हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = 4x² एंड x = y² ये दो कर्व दे रखे हैं, मतलब दो फंक्शन दे रखे हैं, दो कर्व दे रखे हैं, उन दोनों के बीच में हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमने इसे क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखे हैं कि दो कर्व ही दिए हैं और कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। ये दो कर्व ही दिए और कुछ नहीं दे रखा। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें लिमिट भी हम पहले से दे रहे थे कि x इक्वल जीरो से वहां तक निकालना है, यहाँ तक निकालना, बट इस बार कुछ नहीं दिया। तो जब जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप जो सॉल्व करने की फर्स्ट स्टेप होती है वो करेंगे, सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, मेन ग्राफ, ग्राफ बनाए y इक्वल टू 4x स्क्वायर, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ है ये, और जो दूसरा कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y स्क्वायर बराबर 2x, ये दूसरा कर्व है, इसका ग्राफ भी मतलब कॉनिक सेक्शन में सिखाया अपन ने, पैराबोला है, तो ये है इसका ग्राफ। बट ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, x बराबर कितना होगा, नहीं y, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अगर x वाले फंक्शन ऑफ y वाले फंक्शन ऑफ x से देखा जाए तो क्या होगा, y इक्वल टू प्लस और माइनस रूट टू एक्स, तो उससे क्या होगा, अब ये एक नेगेटिव ब्रांच थी तो नेगेटिव हटा दे तो क्या y इक्वल टू प्लस रूट टू एक्स, तो ये वाला जो दूसरा फंक्शन हमारा बना है। अब जैसे ही ग्राफ बनाए तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों बाउंड जो एरिया बाउंडेड बाय दोनों है, मतलब ये इस ग्राफ और इस ग्राफ के बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो एक लिमिट आ रहा है, ठीक है, मतलब एक लिमिट x बराबर जीरो और एक कुछ x बराबर c कुछ कांस्टेंट है उसके बीच में आ रहा है। अब हमें पता करना है कि वो क्या है, तो ध्यान से देखो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड दिस कर्व, तो लेट सी इस पॉइंट पे दोनों कर्व सेम हो रहे हैं, तो लेट सी व्हाट इज दैट पॉइंट, 2 रूट x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज स्केलिंग बोथ साइड, 4x इज इक्वल टू 16x to the power 4, okay, this implies 4 से 4 cancel हो गया और x से x cancel हो गया, 1 is equal to 4x square, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, x बराबर half, जैसे x बराबर minus half भी आ गया बट वो इस साइड आ गया क्योंकि हमें तो इस एरिया बाउंडेड बाय दोनों कर्व है वो पॉजिटिव साइड है, तो x बराबर half आ गया। तो इस जो c जो कांस्टेंट लिमिट माना था उसको मिटाने के लिए क्या लिख सकता हूं, kx बराबर हाफ, ठीक है। अब मुझे लिमिट भी मिल गई, मतलब अब जाके क्वेश्चन है कंप्लीट बना है कि फाइनली एरिया किस बीच में निकालना है और कौन सा एरिया निकालना है, तो अब क्वेश्चन वही हो गया जो पुराने क्वेश्चन अब तक हम करते आ रहे, तो सिंपली क्या करेंगे, दिस एरिया ये वाला कर्व का एरिया निकालेंगे माइनस ये वाले कर्व का एरिया घटा देंगे, ठीक है। तो ग्रीन ब्लू एरिया माइनस रेड वाला एरिया ये दोनों एरिया है, ये दोनों घटा देंगे और इसका सिंपल फॉर्मूला है क्या है, ये ऊपर वाला एरिया निकालना चाह रहा हूँ तो ऊपर वाला फंक्शन मुझे पता है जो 2√x है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया 2√x है और एरिया कहाँ से काटना निकालना है इसके बीच में 2 टू हाफ तक निकालना है, और जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया भी मुझे पता है जिसको मुझे माइनस करना है वो भी कहाँ से निकालना है, जीरो से हाफ के बीच में निकालना और किस फंक्शन से मिलना है वो मिल रहा है 4x² dx से मिल रहा है, ठीक है। अब सिंपली क्या करूँ, ये एरिया है, अब इसका इंडेफिनेट मतलब इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल मुझे पता है वो कितना है, वो है 2x टू पावर 3 बाय 2, ठीक है। इसका मुझे किस पर निकालना है, 0 से 1 बाय 2 में निकालना है माइनस, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल पता है मुझे 4x क्यूब बाय 3, ठीक है, जो कि कहाँ से निकालना है, 0 से आपके बीच में निकालना है सिंपल, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट है, बस नोटेशन जो हमने पिछले बार डिस्कस किया था वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो अब लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। तो क्या होगा, 2 कॉमन ले लिया, अब इसमें क्या है, x टू पावर 3 बाय 2 माइनस 0, तो 0 तो घट गया तो 1 बाय 2 पावर 3 बाय 2 माइनस 0 और माइनस 4 टाइम 4 बाय 3 टाइम x क्यूब, तो ये कितना हो गया 1 बाय 2 पावर 3 माइनस 0, और दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 बाय 2 की पावर 3 बाय 2 माइनस ये कितना आ जाएगा 4 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 8, तो टोटल ये कितना आ जाएगा 1, ये 2 की पावर 3 बाय 2 इक्वल टू 2 की पावर 1, 3 बाय 2 क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1 बाय 2,
जो कि दूसरे को कैंसिल हो गया तो टू का वन बाई टू बचेगा, तो वन बाई रूट टू माइनस ये कितना बचेगा 4 × 1/6, तो ये हो गया टोटल एरिया। तो मतलब ये कर्व के भी एरिया बाउंडेड बाय कर्व भी निकालिए, मतलब इस तरह से क्या है कि अब हमने क्या चीज कर लिया है कि जो हमने एक मेथड सीखी थी ग्राफ बनाओ, फंक्शन को पहचानो, उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करो, उससे कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालो, उसके बाद लिमिट पॉइंट रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उससे एरिया आ जाएगा, और यदि एरिया ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस है तो उसको नेगेटिव ले लो तो टोटल एरिया इंटीग्रेशन से हमें पता चल जाएगा। तो अब मतलब हम क्वेश्चन क्वेश्चन कर सकते हैं एरिया अंडर टू कर्व और एरिया अंडर कर्व विद एक्स एक्सिस, एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया इन लाइन एंड कर्व। तो मतलब अब यह खत्म हो जाता है एरिया पर। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इंडेफिनेट मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रल मतलब हमेशा पॉसिबल नहीं हो, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम एरिया इन जो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स है उसको कैलकुलेट कर पाए। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ एग्जांपल होते रहते हैं इवन इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी जिनका एरिया मतलब जिनको इवेल्यूएट करना बहुत मुश्किल होगा, मतलब जिनका इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कई बार ऐसे कर्व भी होते हैं जिनको हम इंडेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टी होती है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।